Samarth Srivastav in Lucknow in just a moment. Let's go across live to Lucknow. And here's Akhilesh Yadav on India. Today. पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बहुत स्वागत है आपका आज तक पर. अखिलेश जी, पहले तो अनाउंसमेंट आज डेट्स की हो गई है. 10 मार्च को चुनाव का आखिरी दिन होगा, मतलब आप कैसे देख रहे हो? सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं और तारीखें आ गई हैं. इन्हीं तारीखों का इंतजार उत्तर प्रदेश की जनता कर रही थी. पिछले 5 साल में इतना अन्याय कभी नहीं देखा होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय हुआ है. डबल इंजन की सरकार जो दावा कर रही थी कि उत्तर प्रदेश का विकास किया है, उत्तर प्रदेश को अगर देखेंगे पीछे कर दिया और विकास ठप रहा. यहां के किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियों के झूठे प्रचार किए इन्होंने, विकास के झूठे विज्ञापन लगाए और इनका हर वादा जुमला निकला. जो संकल्प पत्र इन्होंने जनता के बीच में रखा था 2017 में, वो इन्होंने कूड़ेदान में फेंक दिया. इसलिए पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता इनको इस बार हटाने का काम करेगी. 10 मार्च में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया है कि जो 15 जनवरी है उस दिन तक ही, मतलब वो डिसाइड करेंगे उसके बाद की रैलीज होंगी या नहीं होंगी. तो जो रैलीज का रुकना, आपका रथ चल रहा था, हर जिले में जा रहा था, हम लोग भी साथ साथ थे उसमें, तो क्या लगता है क्या पार्टी को असर पड़ेगा? क्योंकि एक रथ के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग आते हैं. अब इलेक्शन कमीशन ने जो नियम बनाए उन नियमों का पालन समाजवादी पार्टी करेगी और जो भी नियम उसके बाद बनेंगे उनको भी पालन कर करके चुनाव लड़ेगी. जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, चैनलों पर हावी भारतीय जनता पार्टी है, उन पर काबिलियत है या उनकी सरकारें ऐसी थी जो आज उनके पास ज्यादा स्पेस है. कम से कम इलेक्शन कमीशन ये तय करे कि जो नेशनल चैनल्स हैं उन पर रीजनल पार्टीज को भी स्पेस मिले. एक सवाल ये है मेरा कि जिस तरह से आपने आज पीसी में भी कहा कि वर्चुअल माध्यम से बीजेपी बड़ी पार्टी ऑब्वियसली, तो उसके पास ज्यादा माध्यम है सर्कुलेट करने की चीजें. आपने कहा कि आज डिमांड कर रहे हैं इसी से कि कुछ फंड वगैरह ना केवल आपकी पार्टी को, अन्य दलों को भी दिया जाए, इसके बारे में बताइए. फंड इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट मिले, मान लीजिए चैनल्स हैं, मान लीजिए और किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट चाहिए हो, तो कम से कम रीजनल पार्टीज जिनपे संसाधन नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, उसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए. और जहां तक नेशनल चैनल्स हैं या रीजनल चैनल्स हैं, उन पे भी भारतीय जनता पार्टी के कम से कम बराबर स्पेस पॉलिटिकल पार्टी जो दूसरी उन्हें भी मिले. आप एक लेटर भी लिखने वाले हैं इसी में, कुछ अधिकारियों का भी आपने जिक्र किया है. उत्तर प्रदेश ने जिस समय पंचायत चुनाव देखे थे, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे थे, न जाने कितनों को अपमानित होना पड़ा. इसी उत्तर प्रदेश में माँ बहनों के किस तरीके से कपड़े फाड़े गए, छीनी गई साड़ियां, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया था. और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसलिए हुआ कि वरिष्ठ अधिकारी दबाव बना करके छोटे अधिकारियों से करवा रहे थे. तो इसलिए ऐसे अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ शिकायत इलेक्शन कमीशन को की जाएगी. वर्चुअली कैसे अटैक करेगी समाजवादी पार्टी, ये लोग जानना चाहते हैं. बीजेपी का बहुत वोकल है किस तरह से कर रहे हैं वो लोग, आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली, क्योंकि कोविड है और किसी को नहीं पता कितना डायनेमिक होने वाला है. देखिए, समाजवादी पार्टी कमजोर नहीं है, लेकिन और दल हैं जो इस टेक्नोलॉजी को नहीं कर पाएंगे या वर्चुअल उतना सक्षम नहीं है उनके पास कार्यकर्ता नेता, तो उनके लिए हो सकती मुसीबत. लेकिन समाजवादी पार्टी तो तमाम मुकाबला करेगी. समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लैपटॉप बांटे थे. आज भी लैपटॉप वही काम आए थे कोविड और कोरोना के समय पर जो समाजवादी पार्टी ने बांटे थे. आज तो नेटवर्क जो आज लखनऊ में है, जो जियो का नेटवर्क है, मुझे खुशी है इस बात की कि सबसे ज्यादा जियो का नेटवर्क अगर कहीं फैला है उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी सरकार में फैला था. तो जहां तक टेक्नोलॉजी है, वर्चुअल रैलीज करना है या हमें वर्चुअली लोगों तक पहुंचना है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती. लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयारी किए हुए, क्योंकि उन्हें झूठ फैलाते थे. जो झूठ का नेटवर्क है उनके पास बड़ा नेटवर्क पहले से था. अब तो सीएम कह रहे हैं कि हम भी बांट रहे हैं मोबाइल टैबलेट वगैरह, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे होने चाहिए. आखिरी सवाल ले रहा हूं आपसे, एक फोटो भी आपकी ट्वीट करी गई है जिसमें लिखा है कि आ रहे हैं अखिलेश और 10 मार्च पे कह रहे हैं, इसके बारे में. 10 मार्च का इंतजार जनता को था. ये वो तारीख होगी जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से विदाई होगी. बहुत शुक्रिया. तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव. इनका साफ कहना है समाजवादी पार्टी किसी से कमजोर नहीं है, चाहे वर्चुअल हो या फिजिकल हो, हर तरीके से पार्टी कैंपेनिंग करेगी और यूपी चुनाव में इस बार प्रदर्शन करेगी. कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव आज तक. सो यू हैव गॉट देयर अखिलेश यादव ट्राइंग टू